एशियाई तरक्याती बैंक कहता है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है। अगर पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है तो यानी पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, और अगर मईशत बेहतर हो रही है तो हुकूमत फिर क्यों भाग भाग कर IMF के पास जाना चाहती है। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब ये कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें 37 माह के लिए $7 अरब का पैकेज मिल जाए। इस $7 अरब के पैकेज के बाद क्या एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक जो महंगाई कम हो रही है ये सिलसिला कम होगा, महंगाई की नई वेव तो नहीं आ जाएगी? मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं एक आम आदमी क्या वाकई ये समझता है कि उसके अखराजात कम हो रहे हैं और उसकी बचत ज़्यादा हो रही है, इसका तमाशा। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं। ऐसे क्या करते हैं? गाड़ियों के काम। क्या, यहाँ तो पूरी मार्केट में गाड़ियों का काम होता है, आप क्या करते हैं खास तौर पे? मैं वेपरों का काम। अच्छा, सारे काम कर लेते हैं। सारे कर लेते हैं। कितना अरसा हो गया यहाँ पे? हो गया 40 साल। 40 साल हो गए हैं। आपने एक आलीशान कोठी बना ली होगी, एक बड़ी गाड़ी होगी आपके पास। बिल्कुल, सरकार को ऐसा ही लगता है। हुकूमत खींच गई है सब कुछ, बिलों में खींच गई हुकूमत सब कुछ ले गई है। वो जो कोठी बनाई थी और वो जो गाड़ी बनाई थी वो बेच के बिल दे दिए। बिल दे दिए भाई साहब, ये तो जुल्म हो गया है। हाँ जी, लेकिन वो तो एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। मरियम बीबी ने भी आज इतनी लंबी तकरीर की है, वो कह रही है कि मैंने अवाम को रिलीफ दे दिया है, मैंने पंजाब के अवाम को खुश कर दिया है। जो बाहर से आते हैं दूसरे सूबों के वज़ीर आला, वो यहाँ आकर देखें कि पंजाब के अवाम कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं। अगलों के घरों में बैठ के देखें ना मरियम नवाज, तो फिर खुद ही पता लग जाएगा। घर का निज़ाम चलाना मुश्किल हुआ है। हाँ जी, ज़ाहिर है बहुत, क्या डबल मुश्किल हो गई। क्या मसाइल हैं इस वक्त? घर का बिजली का बिल है, किराया है, कारोबार ही नहीं है भाई जान, कारोबार ही नहीं है। बिल तो तुंड के उन्होंने काम ख़राब कर दिया सारा। बिल में कोई रिलीफ नहीं आया पिछले महीने? वो मरियम बीबी ने 14 रुपये का रिलीफ दिया। मैंने AC नहीं चलाया तो मुझे 11,000 का बिल पड़ गया बगैर AC के। और उसमें क्या इस्तेमाल था? फ्रिज होगी, कोई लाल पंप होगा? एक फ्रिज है बस, तो पखा चलता है, बल्ब चलता है बस। तो बिल लेके नहीं गए? यार मैं गरीब आदमी, कितों 11,000 रुपये करूँगा? AC लगा हुआ है घर पर? है ही नहीं। नहीं है। 40 साल में कभी इतनी सख्त नहीं पड़ी कि AC लगवा लूँ? नहीं पड़ी। बंदे के जहन में ख्याल तो होता है ना, कोशिश भी होती है। होती है पर क्या करे, कारोबार ही नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं कहा इंसान की तो कोशिश होती कि अभी हर शह करिए, लेकिन कोई कम नहीं, कोई महंगाई यो जी है कि बंदे को घर का निजाम चलाने लिए पैसे नहीं है, कोई फीसा, कोई किराए, कोई बिल, तो अगों किंज करेगा कोई कारोबार। हूँ जिन्ने बंदे देखो सब फारक बैठे ने, सुबह के वेले बैठे ने जिन्ने आए हैं, ना कारोबार रहा है तो ना ही कोई इन्होंने रिलीफ दिता है। तकरीर जिन्नी मर्जी लम्मी कर ले मरियम नवाज। उन्होंने कहा है कि दूसरे किसी सूबे से कोई वज़ीर आला यहाँ आया तो मुंह तोड़ जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने पंजाब के अवाम को खुशहाल बना दिया। हाँ जी, आपके सामने है ये सारी अवाम खुशहाल है, वो आपको देख के भी पीछे हो रहे हैं यार की दसीए, फिर बंदा परेशान हो जाता और कि यार असी अपना की दुख दसीए किसी को, सारा कुछ तो लुट के खा कर है। ऐ आप तो AC रहते, आप गड्डिया फिरते, आप इन्होंने चाह भी पीने। आप ही 8 फरवरी को मोर लगा के ये वाली हुकूमत लेके आए हैं ना? नहीं, असी तो नहीं मोर लगाए। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आपने वोट दिए हैं? नहीं दिए। उनके छोटे भाई को आपने वज़ीर आज़म बनाया? किसी को नहीं दिए। बेटी को आपने मलका बना दिया पंजाब की? वो बनाया भाई ना, असी थोड़ी बनाया। आवाम के वोट से आते हैं ये लोग, आपके सामने ही है सब, चोर है, इन्होंने वोट भी चोरी किए हैं। कौन जीता इनमें से? कोई भी नहीं जीता। मियां नवाज शरीफ नहीं जीते लाहौर से? नहीं जीते, कहाँ जीते हैं, वो यासमीन राशा से हरा हुआ। शहबाज शरीफ भी नहीं जीते? उसका तो नहीं कल्फम, लेकिन इसका तो हमने सुना TV पे कि पंपलेट छप रहे थे, 2 लंबर काम हुआ सारा ये इधर रॉयल पार्क में। हाँ जी, ये हमने देखा भी है, वो TV पे, सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाया उन्होंने लाइव। जो मर्जी कर लो, झूठे तो बेईमान लोग ना, साढ़े तो मिसल तो ये ना, तो वजह तो वाम परेशान। आपका मैंडेट लेके वजीर आजम अमरीका गए हुए हैं? हाँ जी, तकरीर देखी जो थी साढ़े वजीर आजम की, उन्होंने बोलने की तमीज नहीं हैगी, ना बोलना आंदा उन्होंने। वो वजीर आजम उन्हें की करना इतने मुल्क दे विच, ना कोई पॉलिसी है, ना कोई कुछ है, हर बंदा परेशान है, कोई बंदा इस टाइम खुशहाल नहीं। ऐ तो मजदूर तक वा ना सी जे कारोबारी लाइन च है, वो भी परेशान ना, वो भी रोड़न के साथ दुकानों में करोड़ों रुपये लगा के बैठे। चंद बंदे ने जिन्हों का कारोबार चल रहा वो खुश न, या वजीर खुश न, या MLA खुश न, या हुकूमत रहने वाले बंदे खुश न,
खुश ने जिन्होंने कभी बिल नहीं पड़ टेंशन कभी उन्होंने बच्चों के दुध की नहीं टेंशन कभी उन्होंने स्कूल की नहीं टेंशन सारा काम उन्होंने हो रहा पाकिस्तान ऐसा मुल्क है हर किस्म का टैक्स असं भरने में। ये दो हफ्ते पहले आपने देखा वो कभी बिलावल जाते थे मौलाना को मनाने के लिए कभी साग डार जा रहे थे कभी आजम नजीर तारड़ जा रहे थे मौलाना फजल रहमान को मनाने कभी ऐसी दौड़े आपके लिए भी लगी हैं वो साढ़े लिए किसों लगने हैं यार वहां नूर रिलीफ देने हैं आओ को पॉलिसी बनाने हैं को आइन में को तरमीम करते हैं जरा कुछ है इन्होंने खो लिया असी अगे 2000 का काम करने था सारा निजाम चल जाता सी अल्लाह पाक ने कुछ बड़कर रखी सी कुछ महंगाई घट सी हूँ 3000 का काम कर लो घर जाने तक तुम फारक है जो कोई पैसा नहीं बचता कुछ 100 रुपये 150 रुपये किलो दूसरी कुछ 200-250 रुपये से चला गया पेट्रोल दी एन जे फिर हर शहर च महंगाई इन्नी ना बरकत रही है ना हुक्मरान वह जो रहे साढ़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं बच्चे 5 महीने की फीस नहीं दी बच्चे की 9वीं पढ़ता 5 महीने से पैसे नहीं थे जेब में दिए ही नहीं फीस अभी भी जा रहा है वो स्कूल और स्कूल वाले की मेहरबानी है कि सर जो पूछते नहीं पे स्कूल वाले वो स्कूल वाले की मेहरबानी है कि उन्हें मैंने नहीं पूछा अजे तक कि तू 5 महीने की फीस नहीं दिती तो की करने हैं वो तो बच्चे का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा भाई भैन जहर ही बात होएगा स्कूल चले कुछ महीना और देख लेगा फारिग कर देगा तो भैन पैसे ही नहीं है खाने लिए पैसे नहीं है देखो तुम बताव वो मैं एक मिनट तक चीज़ दाना ए मेरी जेब मेरी वालदा दी ना दवाइया के कार्ड ना है 3 दिन तो पेन जो नहीं लिखा बाकी अल्लाह पाक का करम है इज्जत शर्मा रखी ही अल्लाह पाक ने इन्हों के हाथ चुइए तो कुछ भी ना ले जा सकी है समझते 3 दिन से वालदा की दवाई नहीं गई घर वो बस हूँ कि सारा दसिए तुम खुल गया ए भी बिस्ती महसूस होंगी भाई बिस्ती और शर्म ये वोट वालों को क्यों नहीं महसूस होती वो हो गई भी शर्म ने भाई वो तो है गई भी शर्म वो तो अपने वास्ते ही आते अपने ही कमाते हैं कोई MLA कोई MP है कोई चाह का कप भी पीना हो तो 5-star होटल तो थले नहीं जाएगा असी इतने 70 रुपये की चाह पीनी हो 10-10 कट्ठे कर लेते तो यार चल दो थोड़ी थोड़ी पी लीए उन्होंने कभी टेंशन वो बैठे ने अपने घर खुश न या तो वाम को पूछोगे देखो ना तुम वाम की कर रही है वाम हर वाम परेशान है आखिरी सूट नया कप बनाया किसी की क्या मजाल के कोई बिस्ती करे कैसे कर सकता है वो इंसान के अंदर जो जमीर है ना भाई वो आपके घर आपके घर रोटी तो नहीं लेके आता वो पहले ना लेकिन अपना जमीर एक है ना इंसान का वो तुम इंज ओपन नहीं होने दिता असी किसी अपना दुखड़ा नहीं सुना सकते हूँ जो ओपन सुनावे सानू अपने अंदर जो जरा ना आहो यार की करिए किनू रोना सुनाइए हर बंदा परेशान है जिसे बंदे देखते भी कोई बंदा नहीं खुश है हो सकता तरह चलती है लेकिन ताड़ा भी वो निज़ाम नहीं हो सकता जो इन्हों के निज़ाम ने तुम भी तनखा दे जे तुम भी अपना काम करते जे ताड़ियां भी परेशानियां होनी है लेकिन तुम भी नहीं किसी दस सकते क्योंकि इंसान का एक अंदर जमीर होंदा कि यार मैं अपना ना किसी रोना ना सुनावा यहाँ आपकी मार्केट में या आपके घर पर आपसे कोई वोट शोट तो मांगने आया होगा उसने को बड़े वादे किए होंगे आपसे कौन आया था क्या कह गया भैन जरा मर्जी आवे वोट मना सू पावगा 2013 तो शुरू होया उन्होंने वोट पाना अच्छा। मेरी 45 साल की उम्र हो गई है तो जो भी होश संभाली है इन्हों ने देखिए तो करदा ना साढ़े प्यो ने लिता तो ना किसी होर के प्यो ने लिता इन्हों ने लिता तो इन्होंने पता नहीं कितने किया आप लगाया कितने लाया जे कि अस्पताल इन्होंने बनाया कोई यहोजा जा। जिते साडा ट्रीटमेंट हो कि ने सू बिजली दी है कि ने सू गैस दी है कि कोई बच्चों की तलीम का किया कोई सिस्टम मलका पंजाब कह रही है मैं अस्पतालों में जाती हूँ तो वहाँ पंजाब के लोग नहीं होते KP के लोग इलाज करवाने आए होते हैं पंजाब वाले तो ठीक है सारे यार भाई ने मेरे ताडे वड्डियां दे भी जमन तो पहले साडे वड्डियां दे जमन तो पहले मियो अस्पताल बने हैं हाँ जी है वो गैर मुस्लिम वो तो बना गया ना अंग्रेज बना गया गंगा राम अस्पताल वो इंडिया के बंदे हजे भी आ गए उत्थे फंड दिंदे ने मरम्मत कराते हैं गंगा राम च सारे हस्पताल तो साढ़े तो वड्डियां दे जमन तो पहले दिन गैर मुस्लिम इन्हों इन्नी इन्होंने दी है मशीनरी उत्थे पूरे पाकिस्तान का बंदा इतने मियो अस्पताल जाता सर्विस आता पंजाब ने भी इतने जाना उन्होंने कहा कोई लोड़ों बाहर जाना तो पूरा
ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਾਇਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਡਨ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਹੜ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਉਹ ਹੜ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨੋਡ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੈ बेहतरीन सेहत की सहूलियत है लेकिन उनके वालिद साहब लंदन जा रहे हैं इलाज करवाने हां जी वो तो दसिया इत्थे सब कुछ है लेकिन उन्होंने कोई पैसा इन्ना है लंदन तो बगैर रह ही नहीं सकते लाना कितने इन्ना पैसा ये सोचना ना वो अपनी कपड़ा पक्या कराएंगे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ IMF ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਮ ਪੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 2018 ਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਥੀ ਵੋ ਵੀ ਫੌਰਨ IMF ਕੇ ਪਾਸ ਗਈ ਥੀ ਯਾਰ ਭੈਣ ਦੇਖੋ ਜਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ IMF ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ IMF ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਝ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੂੰਗਾ 50 ਲੱਖ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਚੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਵਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟੇ ਆਏ ਜੋਨ ਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਤਾ ਰਹਾ ਜੋ ਯਹਾਂ ਰਹਤਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਯਹੀ ਕੇ ਕਬਰੇ ਵੀ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਅਗਲੀ ਜੇ ਨਸਲ ਵੀ ਆ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਯਹੀਂ ਪੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਹੀਂ ਪੇ ਹੈ हमने कम बाहर नहीं जा सकते दुबई चले हम तो दोपहर का खाना नहीं खा सकते कमावांगे तो खावांगे ना यार केड़ा काम जे दसो मिन केड़ा काम जे वेले बैठे दस दस दिन हो गए कौन पूछेगा सानू क्योंकि मार्केट में बैठे हैं यार लाखों रुपए का काम गड्डी दे विच बैठे हैं मार्केट च बैठे हैं ना कस्टमर होने आएगा देखना उन्हें गुफ्तगू करांगे कहेगा मैं करा लांगा छड़ दे इतने पैसे नहीं देने ते चीज जाके पूछो किन्ने दी है चीज लेके चीज ला दिए बस कोई पैसा ढेला नहीं नर्स हो गया यहाँ पे आपको भाई बड़ी देर हो गई है यार 35 साल तो हो ही चले 35 साल में बनाया क्या गवाया क्या कुछ भी नहीं पाए ने इज्जत ही बनाई है जड़े लगे फिरने पे और कुछ नहीं जे मिलने वाले दोस्त ही बनाए जे बस इज्जत ही बनाई जे और कुछ नहीं जे बनाया वो भी अल्लाह पाक ने दी जे जहाँ वासी चो तो भी खो लैन टैक्स ला दें हाँ जी वो भी खो लैन तुम 100 बंदा जानता है तुम टैक्स देना है टैक्स देना 500 जानता है टैक्स देना है कुछ भी करना तुम टैक्स देना है वो सामने वाशरूम है समझे 20 रुपए दोगे तो वाशरूम जाओगे वो तो आधा मोल के तुझे कितने बैग सुकून का कर भी नहीं सकते कुछ होर की चाहिए थानू होर के टैक्स लवाने जे और बिजली तो नहीं मिलती भाई गैस तो नहीं मिलती पानी तो खुला मिलता पाया वो भावे इट भी रख दो तो निकल ही जाना समझो तो बिल तो डबल डबल ही टेंशन ना लवो तुम बच्चों की फीसा नहीं देनी है घर राशन के पैसे नहीं देने समझो बिलों के पैसे लाजमी देने ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋ ਗੱਲ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫ ਦਿਓ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਨ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਅਮ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ 14 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ 14 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜੇ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ 20000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋਚੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋ ਵੀ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਵਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਰੀਅਮ ਬੀਬੀ ਦੇ 700 ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੈਂ 75 ਕਰੋੜ 95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਏ ਕੀ ਡਾਕੂ ਏ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਦੇ ਮਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਪਵੋ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋੜ ਕੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਖਤਰਾਤ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋ ਬੰਪ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਲੂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਬੰਪ ਰੂਪ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਉਸੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
हमारा गरीब सी ना तुसी ते गड्डी च बैठ के नंग तन कौन पुछण वाला कोई भी नहीं क्योंकि तुहाडी सिक्योरिटी बड़ी है। एक ब्रेक लें, आपको मजीद इस मुल्क के बेहतरीन हालात दिखा रहे हैं। तो निदान ठीक चल रहा है? बस शुक्र है यार, गुजारा हो रहा है। कितने को पैसे बन जाते हैं यार? 20 रुपए अभी साहब लगा ले, 20 रुपए बस पी बोतल में बचते हैं। कितनी की बोतलें रोज की यार? बस रोज की 80-90। 80-90 यानी 1500-1600 रुपया बन जाता है आपका? जी ठीक है। तो क्या सूरत हाल है, अकेले रहते हो यहाँ, भी बच्चे भी साथ हैं, क्या सूरत हाल है यार? महंगाई है, इसमें किधर गुजारा हो रहा है यार। लेकिन इसके अलावा कोई काम है नहीं तो क्या करना है, अगर ये भी छोड़ना है, अगर कोई और काम भी नहीं मिले तो फिर कहाँ से? ताल्लुक कहाँ से है? स्वाद शंगला। कितना अर्सा हो गया लाहौर यार? मैं तो 6-7 साल हो गया। 6-7 साल हो गए। एक ईद दूसरी ईद पे हम गाँव जाते हैं। दूसरी ईद पे घर गाँव जाते हैं, यानी मिसाल जब ईद आते हैं ना, एक ईद दूसरी ईद पे, जब सर्दियों में छुट्टी मिल रहे हैं तो उसी पे। अच्छा, हाँ जी। तो घर पे पीछे फिर खर्चा किस तरह भेज देते यार? वो भी इधर से भेजना है, इधर से कमाना है, उधर भेजना है। आप क्या बता रहे थे, क्या मसला क्या है? हम 1500-1600 रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी बोतलें जो है ना, तीसरे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे, छठे फ्लोर पे, सातवें, 7-7 फ्लोर तक हम बोतल चढ़ाते हैं। बाइक पे एक बोतल लेके जाते हैं, ट्रैफिक वाले पकड़ के 2000 का चलान दे देते हैं। 1600-1600 रुपए की दिहाड़ी में 2000 का चलान, तो आप बताएं ये ज्यादती है या नहीं? तो क्यों नहीं मानते ट्रैफिक वालों की बात यार? यार ट्रैफिक वालों को भी पानी देते हैं हम, 300 रुपए का रोज का वो हमसे फ्री में पानी लेते हैं, उसके बावजूद हमें 2000 का चलान दे देते हैं। तो आप बताएं, या तो वो हमसे रिश्वत ना ले। पानी भी आपसे फ्री लेता है? हाँ, पानी भी फ्री लेते हैं। फिर उसके बाद क्यों, किस मद में? बस ये हमारे दफ्तर है, आपको चलान नहीं देंगे। तो पानी यहाँ उतार दो। हाँ पानी उतार दो, पानी उनके दफ्तरों में भेजो, उसके बावजूद चौक में। हाँ फिर तो किस होता, किस बुनियाद पे है कि इसके ऊपर छत नहीं है या इसको नहीं, किस वजह से होता है? कोई लाइसेंस नहीं है तुम लोगों के पास? परसों मोटरसाइकिल पे इसने एक बोतल लेके जा रहा था। अच्छा। लक्ष्मी चौक पे उसने इसको इसको पकड़ लिया, कह रहे भाई आपके पास हेलमेट नहीं है। कह रहे हेलमेट नहीं है, एक बोतल लेके जा रहा हूँ, तो हम आपकी दफ्तर में पानी भी दे रहे। उसने डायरेक्ट 2000 रुपए चलान का। यार हेलमेट तो जरूरी है ना यार, वो तुम्हारी अपनी सेफ्टी के लिए है। हाँ वो तो है, लेकिन वो 2000 की जगह पे 200 भी कर सकते हैं। हमारा तो 15000 रुपए तनख्वाह है, 15000 में आप समझ ले कि 2000। अभी हेलमेट के मेरे पास अभी बाइक के भी पैसे नहीं दिए, 2 दिन हुए मैंने बाइक ली है। उस बंदे को 10000 दिया है, 15000 उसका देना था, ठीक है। और भाई से मैंने कहा मुझे एडवांस पैसे, इन्होंने कहा ये बोतल ले जाओ दुकान से, पैसे इकट्ठे करके ले आना, फिर उसमें से मैं तुम्हें दूंगा। मैं इस लालच में बाइक स्टार्ट की, मैं चलो बाइक के तो पैसे दूंगा। मैं गया रास्ते में, उसने मुझे 2000 का चलान दे दिया, पैसे अगली दुकान से फिर नहीं मिले। 100 रुपए की बोतल लेके गया हूँ, 20 रुपए उसमें बचने थे, 2000 का चलान करवा गया। वो तो हाई कोर्ट के ऑर्डर है ना। अच्छा, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फिर सबके लिए सेम होना चाहिए। मेरे सामने उसने 200 का भी चलान किया, 300 का भी किया, हेलमेट ना होने की, हेलमेट ना होने की वजह से, और मुझे 2000 का चलान। ये क्यों, आप बताएं? जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपकी कोई दोस्ती थी पुरानी, कोई दुश्मनी थी? कुछ भी नहीं, उसको पानी की बोतल आगे रखी है हमारी, ये गलती है, हम उसको पानी पिलाते रहे। ये गलती है? ये गलती है। तो मुझे ये बताएं कि कोई इलाज करवाना हो तो फिर यहाँ सरकारी अस्पताल में जाते हैं, जब सवाद जाना होता है तब उधर? नहीं, इधर भी करते हैं, मेवा हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ सहूलत ठीक मिलती है, उधर तो सही है वो। अब यहाँ पंजाब की वजीर आला मरियम बीबी, पता है? हाँ हाँ पता है, जानते हैं उन्हें। हाँ हो, अच्छा काम कर रही है यार? वो तो मुझे पता नहीं है कि वो अच्छा काम कर रही है या अच्छा नहीं कर रहे। हाँ आप जानते हैं उन्हें? जी। अच्छा काम कर रही है? सर हमें तो अपने काम से फुर्सत मिलेगी तो हम किसी के काम पे ध्यान देंगे। हमारी तो इतनी महंगाई है, हमसे आटा चीनी दाल यही पूरी हो जाए बड़ी बात है। हमसे फुर्सत मिलेगी तो हम किसी के काम पे तवज्जो देंगे, हमें पता लगेगा कि यार ये अच्छा काम कर रहा है या बुरा। महंगाई इतनी है, हमें अपने काम से यकीन करे, तनख्वाह लेके जाता हूँ ना मैं, तनख्वाह दे के भी दुकानदारों के इतने पैसे होते हैं, 3-4 हज़ार रुपये उसका फिर रह जाता है जो देना होता है, जो देना होता है, और तनख्वाह भी लेके फिर उससे पहले मैंने 10,000 एडवांस लिया होगा, ठीक है, उसके बावजूद मैंने 7,000 रुपये 3500-3500 दो दुकानों का देना। अभी तनख्वाह नहीं मिली होती। शादी हो गई है, बच्चे हैं कि नहीं? दो बच्चे मेरे। फिर किस तरह उनका निदान कैसे चला रहे हो? उधार ले दे के कोई भाई बहन साथ में हेल्प कर देता है,
अपनी अपना सारा दिन ऐसे हार्ड काम करते हैं, ये आप मेरी शर्ट को हाथ लगाए। सुबह मैं घर से आता हूँ, रात को यहाँ से राणा टाउन में जाता हूँ, इतनी तेज हवा लगती है, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ फिर भी मेरे शर्ट में पसीना आता है और फिर भी खर्चा नहीं पूरा। 7 फ्लोर तक ऊपर पानी लेके जाता हूँ। तो गैलन को उठा के बोतल को, हाँ, 19 लीटर की ये बोतल जी उठा के ऊपर जाना है। हाँ जी भाई, कैसे हैं? पाकर ठीक ठाक से? हाँ जी भाई, तो कह रहे हैं बड़े मुश्किल हालात हैं। यहाँ पे फार्म नहीं है, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, नहीं होती। इतनी गाड़ियाँ लगी होती थी और आज वो हालात है कि कारोबार है ही कोई नहीं। हम खुद बड़े परेशान है कि क्या बनेगा, क्या होगा आगे। मैं देख रहा था वो रिपोर्ट भी आई थी कि महंगाई कम हो गई है। नहीं, महंगाई तो और ज्यादा हो गई है, सबको कम नहीं होगी। मलका पंजाब को जानते हैं जी? हाँ जी। वो कह रही हैं कि पंजाब के लोग खुशहाल हो गए हैं। नहीं, खुशहाल नहीं हो गए, और परेशान हो गए। वो कह रही हैं कि यहाँ पर बाकी सूबों से ज्यादा तरक्की हो रही है। नहीं, तरक्की, आवाम खुश हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, घरों में दूध आ रहा है, गोश्त आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। इलाज की सहूलियात यहाँ बेहतर हो गई हैं। मैं अभी उनकी सारी तकरीर सुन के आया हूँ। मुश्किल हालात, फैसलाबाद खड़ी थी, वहाँ सारी बातें कर रही थी जी जी। उन्होंने, लेकिन जो जो दिन आगे जा रहे हैं ना, मजीद हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। हुक्मरानों से सिर्फ ये इल्तिजा है कि हम क्या करें फिर। लाजमी बात, जो मेहनत मजदूरी वाला बंदा है, ऐसे भी है कि पहले हम 200 में चिकन लेके ना, तो दो, एक मेरी घर वाली, एक मैं, हम गुजारा कर लेते थे। एक वक्त की खांडी बन जाती है। अब 200 में दाल ही आती है, जो आ जाती है, दाल आ जाती है, और उसके लिए फिर अलग से जो मिसाला लेना होता है वो फिर ऐसे गुजारा करते हैं। कभी एक घर से थोड़ा सा मंगवा लिया, उससे लहसुन मंगवा लिया, उससे टमाटर मंगवा लिया, ऐसे गुजारा करते हैं। रोटी दिन में एक दफ़ा खा रहे हो? नहीं, दो दफ़ा खा रहे हैं, लेकिन समझ लो कि मांग तांग के क्या करना, इतनी मेहनत मजदूरी करके भी हमने मांगना, तो फिर क्या फायदा। चिकन भी आम आदमी की पहुंच से निकल गया बाहर, वो ऐसा 500 से ऊपर गया, 600 पे वापस नहीं आया, नीचे आए नहीं, कम हुए नहीं। अब 200 के आलू लिए हैं, वो पूरा हफ्ता चलाने, उसमें से 2-3 आलू निकालने, वो पकाने, उसमें फ्राई करके, घी भी इतना महंगा है कि रोज़ रोज़ फ्राई भी नहीं कर सकते, बस ऐसे गुजारा चलाना है। वो कह रही हैं कि बाकी सूबों से हम बहुत आगे चले जा रहे हैं। नहीं, वो तो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं महंगाई की तरफ ही जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। हालात रहे तो यहाँ भी चोरी डकैती ही होंगी, और क्या होगा फिर। बिल इतने इतने ज्यादा, अब 200 कितने यूनिट थे, 65 यूनिटों का 11,000 रुपये बिल आया। 265 का? हाँ जी, नहीं, 165 यूनिट का, सॉरी 165 165 यूनिट का है, 11,000 का। 11,000 कैसे बन गया? 11,000 रुपये उन्होंने कहा, 200 से नीचे होंगे तो रिलीज होगा, लेकिन नहीं रिलीज मिला कोई। हो सकता है मेरे पास बिल हो, मैं आपको दिखाऊं। 200 से जब ऊपर यूनिट थे ना, जब तो हमें आया 17,000-18,000 रुपया बिल मेरे पास। सारे बिल इकट्ठे किए हुए हैं? बिल ही हैं, हाँ जी, बिल इकट्ठे किए हैं ये। सारे पैसे कहाँ हैं भाई इसमें? पैसे कहाँ हैं? सारे बिल ही हैं ये, सारे बिल हैं, सारे बिल ही रखे हैं, क्योंकि ये मालम मकान को दिखाने होते हैं ना ये, तो इसलिए पास रखते हैं, बिल ही हैं सब। उनके अगर यही सिर्फ इल्तिजा है कि महंगाई कम करें, कोई मजदूर जो आदमी है वो खुशहाल हो, तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई है ही नहीं, डाल के देखा वो बच्चे जो पढ़े थे वो भी भूल गए हैं। ठीक है, फिर मैंने नहीं, पढ़ाई कोई नहीं है। तो कह रही है हमारे स्कूल बेहतरीन है? नहीं, कोई पढ़ाई नहीं है। वो इतने एक्टिव वजीर हैं आपके, वजीर तालीम मैंने राणा सिकंदर आजाद, महंगाई के से तंग आके ना बच्चों को प्राइवेट से सरकारी में डाला था, लेकिन वहाँ पे भी कोई तालीम नहीं है। वो जो पढ़े थे वो भी भूल गए, फिर दोबारा मैनेज करके तो किसी से पैसे उधार पकड़ के फिर वहीं पे जम उन्हें कराया दाखिल। क्या ख्याल है, बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो हालात बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, मुश्किल नज़र आ रहा है। किस क्लास में अभी? अभी मेरी बेटी बड़ी जो है ना 5 क्लास में, और छोटी बेटियां जो 3 क्लास में, बेटा एक मेरा छोटा वो नहीं अभी पढ़ता। जो बेटियां पढ़ रही हैं जी, बच्चे जब पढ़ रहे हों और उनकी नशोनुमा की उम्र हो, तो बड़ी अच्छी खुराक की जरूरत होती है। बस ये दूध पिलाएं, उनकी हड्डियां मजबूत हों, रोटी पूरी हो जाए, बड़ी बात है, और खुराकें कहाँ से? आपके सामने ये मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, डेकोरेशन का। इधर एक टाइम था वो गाहक हमें ढूंढ रहे होते थे काम कराना, अब गाड़ी लेते थे और यहाँ लाग लगा देते। हाँ जी, यहाँ हर काम हो जाता था, लेकिन अब वो कहते हैं कि ये सिर्फ चिकर मैट ही लगाने, और कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि हम पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ज़रूरी ज़रूरी काम कराने हैं, डेकोरेशन वाला काम नहीं कराना, क्योंकि हमारा तो डेकोरेशन का काम है। वो कहते नहीं, इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके यही है कि चलो कम से कम बच्चों एक नया ले रहे हैं कर्जा IMF से। वो कर्जा उनको मिलना जिनके पास प्लाट है, तो उनको नहीं मिलना जिनके पास प्लाट नहीं है। हमारे पास तो प्लाट भी नहीं है।
जो घर बनाने के लिए, घर बनाने के 15 लाख रुपए मिलना है, मिलना उन जिनके पास पहले प्लाट होगा उनको मिलना है, जिनके पास नहीं है उनको नहीं मिलना। हाँ जी, ये तो फिर क्या फायदा होगा, हम 20 साल से किराए पे रह रहे हैं, सहूलत हमें मिलनी चाहिए कि जिनके पास प्लाट है उन्हें मिलनी चाहिए। यानी आपके पास लाहौर शहर में कम से कम 3 मरले का प्लाट भी हो ना, नहीं है तो वो 70-75 लाख रुपए का प्लाट है, तो कहाँ से लेके आना, 70 लाख रुपए का प्लाट हो फिर आपको 15 लाख मिलेगा घर बनाने के लिए, वो भी कुरंदाजी में। कुरंदाजी में सही बात, प्लाट है आपके पास घर बनाने के लिए, प्लाट है कुछ भी नहीं है, घर अपना है कि नहीं, किराए पे रहते हैं, कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जिसके पास अगर प्लाट नहीं है उसको तो नहीं मिलना ना कर्जा। स्कीम ये होनी चाहिए थी, जो किराएदार बेचारे पुराने 20-20 साल से किराए पे रह रहे हैं उनको कोई सहूलत मिलनी चाहिए थी। ये थोड़ी कि जिनके पास प्लाट है उनके पास तो और भी बड़ा कुछ है, सारिया सहूलत ने कि तकरीर किया बहुत आगे चले गए हैं, आटा नहीं दिता किसी, आटा कह के नहीं दिता किसी, हर बंदे ने शनाति कर दिखाया। आप मुसलसल मुस्कुराए जा रहे हैं इस बात पे। आटा नहीं मिलिया भाई, उन्होंने की देना जी। भाई साहब, एक 600 रुपए का थैला नहीं मिलिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? 2 मिनट दे मुझे। आप मुसलसल इन बातों पर मुस्कुराए जा रहे हैं जब मैं कहता हूँ कि मलका पंजाब कह रही है कि हम बहुत आगे चले गए। मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता, थैंक यू। किसी को पूरा जवाब समझ लो। अच्छा, भाई ना आटा नहीं दे सकी, आटा नहीं मिला। नहीं, आटा नहीं कह रही है, हमारी हमारी स्ट्रेटजी थी कि हमने गंदम नहीं खरीदनी, ठीक है, ताकि आवाम को सस्ती रोटी मिल जाए। भाई ने की सस्ता किया, उन्हें तो कुछ भी सस्ता नहीं किया, एक भी चीज दसो कोई हजे तक तो कोई सस्ती हुई नान सस्ता किया आपके लिए आते हैं नान सस्ता भाई ने की किया नान जब सस्ता था ना वो खाने के काबिल नहीं था, वो बहुत हल्का नान उन्होंने कर दिया, यानी कि नान का वजन घट गया, कोई सस्ता नहीं किया, दो बना दिए तो सही कह रहे। कह रही है 5 साल बाद जब लोग देखेंगे तो हम बाकी सूबों से बहुत आगे होंगे। असि 5 साल बाद बड़े सूबे तो थले आई जाना है। वजह भला की है, अगर तलीमी अदारिया दुध की आफर करने नालों बेहतर है कि तलीमी अदारिया पूरी किताबा और पूरी तलीम दी जाए। दुध की आफर क्यों दी गई है? क्योंकि डेयरी फार्म इन्हों के अपने ने, मनशे के नाल रल के मरियम साहबा के अपने डेयरी फार्म ने, साई वाल लैंड पूरा डेयरी फार्म इन्हों का, वहाँ से आ रहा है तो वो क्या करेंगे, अपने ही देंगे ना भाई, फायदा तो अपने घर को ही करना है इन्होंने। ये स्कीम थी? हाँ, यही स्कीम है, और क्या स्कीम है? बच्चों के लिए नहीं था वो? बच्चों के लिए, बच्चों के दूध की फिक्र है, बाकी फिक्र कोई नहीं, बच्चे दूध भी पलते हैं बस। बुनियादी मकसद तो स्कूल पढ़ने आते हैं। बुनियादी मकसद तो स्कूल ये है ना, जब बुनियादी मकसद तब पूरा होगा ना जब पूरी फॉर्मेलिटी पढ़ाई की पूरी होगी, तो फिर होगा ना भाई। मैं तो कह रहा हूं भाई, गवर्नमेंट स्कूल में किताबें अभी तक नहीं मिली, 6 माह हो गए क्लासेस लगे हुए हैं, क्लासेस फर्स्ट टर्म चल रहा है, अभी तक नई किताबें बच्चों को नहीं दी। तो क्या पढ़ा रहे हैं फिर? पुरानी किताबें माँ बाप लेके आ रहे हैं, बाहर से कोर्स खरीद रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। 6 माह तो गुजर गए हैं क्लासों के, अब कब नई किताबें देंगे? अभी किताबें स्कूल में पूरी नहीं है, दूध की ऑफरें कर रहे हैं ये सिर्फ ना एक घुमाने वाला ही काम है बस, एक चीज प्रोवाइड करते हैं दूसरी चीजें महरूम कर देते हैं, ये तो नहीं ना होगा। तो अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं या? सब पढ़ा तो रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, लेकिन ये दूध से कुछ नहीं होगा। दूध से बेहतर है जो पेट भरने वाली चीज है वो सस्ती की जाए, रोटी सस्ती, सालन महंगा। दूध से बेहतर है कि आपका रोजगार बेहतर? हाँ, रोजगार बेहतर, हम खुद दूध सर, हम खुद दूध खरीद के लाए, ये दूध क्यों दें? स्कूल का मकसद है अच्छी तालीम, अच्छी तालीम दें, उधर अच्छी चीजें, अच्छी सहूलतें दें उनको, बच्चे की किस्म बदल। भाई जान, गवर्नमेंट स्कूल में पंखे चल नहीं रहे, गर्मी में बच्चे 12-12 सुबह जाते हैं, 7 बजे 1 बजे तक रहते हैं, 1.5 घंटा यानी 2-3-4-5-6 घंटे जितना देर पढ़ना है। शिकायत नहीं करते सर? क्या करें शिकायत, उधर फ्री बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, हम क्या शिकायत करेंगे बताएं? वो हमारे बच्चे ही पढ़ा दें, जो 1-2-4 सब्जेक्ट हैं वो ही पढ़ा दें, बड़ी बात है। हम आगे जाके बिजली की रिक्वायरमेंटें करें, बेंचों की, सफाइयों की, तो क्या स्कूल में हो गएगा भाई? इसे प्राइवेट में दाखिल करवा, इतनी फॉर्मेलिटी लेनी है। प्राइवेट की कम से कम फीस कितनी है? मैक्सिमम जो प्राइवेट की, अब मेरी मेरा बड़ा बेटा 6th क्लास में पढ़ता है, तो 2000-3000 से कम कोई प्राइवेट वाला नहीं लेता। ट्यूशनों की फीस 1500-1500, 2000 एक बच्चे की हुई है।
ये इससे कुछ हल नहीं होगा, ये दूध देने से या ये ऑफरें करने से कोई हल नहीं है। पूरी ज़िंदगी की जो ज़रूरत अशियाँ हैं वो सारी सस्ती होंगी तो फिर ज़िंदगी गुजरेगी। कह रहे हैं कि हमने सेहत का निज़ाम पंजाब में बेस्ट कर दिया है। क्या बेस्ट कर दिया, केपी से लोग यहाँ इलाज करवाने आ रहे हैं। कहा कुछ भी नहीं हो रहा भाई, लंदन जा रहे हैं इलाज, वो उधर जाएंगे ना, उनका इलाज होता ही उधर है उनका। वो एक बंदे ने कहा है ना कि कब्रें इनकी पाकिस्तान में है, अस्पताल हाँ सब नहीं, इन जितने सियासतदान हैं इनकी कब्रें सिर्फ पाकिस्तान में, ये कब्रिस्तान है पाकिस्तान। एक गोरे ने इसको कब्रिस्तान बोल दिया है, वो कह रहा है ये सिर्फ कब्रिस्तान है, इधर से दफनाने के लिए आते हैं। हमारा मुल्क है, ये सलामत रहे, सर सलामत रहे ना, तो यही रहना ना भाई जान। इलाज इलाज बाहर, पढ़ाइए बाहर, बच्चे बाहर, सेटल सारी बाहर, कंपनियाँ बाहर, सारी फ्लैट बाहर, महंगे महंगे लग्जरी घर गाड़ियाँ सारी बाहर, इधर सिर्फ आना कब्र खोद के दफनाने के लिए इन्होंने बस। और इनका क्या है इसके घर में, या इसको लूटना है, या आपने और मैंने जिन्होंने यहाँ रहना है, जिनकी नस्लों ने रहना है। यार हम तो इधर ही हैं, हम काम तो यहाँ से घर चले जाएं, बड़ी बात इनकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे लिए बहुत सोचों में पड़े हुए हैं ना, वो कोई सोचों में नहीं पड़े हुए, वो सिर्फ अपना ही सोच रहे हैं। आपने देखा है वो कैसे दौड़ लगी थी, कभी बिलावल जा रहे हैं मौलाना के पास, मौलाना के पास हाकदार जा रहे हैं, कभी आदम नजीर तारड़ जा रहे हैं, कभी अता तारड़ जा रहे हैं, कैसा मान जो आवाम वास्ते, आवाम वास्ते। हाँ जी, और भाई ने सारा अपनी अपने ही फायदे से आवाम से कुछ नहीं हो रहा अजय तिकर, कुछ नहीं है काम में। रोड करोड़ा ना रोड सी, सारी दिहाड़ी जिते इनकम रखा, करोड़ा नहीं इनकम सी, दुकानदार से जी करते मजदूर रात में 4-5 हज़ार कमा के जाते सन वेले ने। कितनी पुरानी बात बता रहे हैं सर, मुझे 22 साल हो गए हैं इधर, ये जो 4-5 हज़ार ये जो काम के हालात खराब हुए हैं 4-5 साल से, 6 साल से होंगे, मतलब 18 के बाद, 18 के बाद अब तो बिल्कुल डेड ही हो गया ना काम। नहीं इस रोड पे एक गाड़ी से 2-4 हज़ार कमाना बात ही नहीं था। गाड़ी वाला क्या करे, गाड़ी वाला 400 का काम नहीं करवा रहा, वो भी पैसे नहीं निकाल रहा, वो भी सप बन के बैठा हुआ है पैसों पे, वो कह रहा आगे से आने नहीं है, वो कह रहा वो भाई जान हम 300 की बात करते हैं, वो कहता हमारे पास 250 भी नहीं है। गाड़ियों का काम जो हज़ारों में होता था, एक बंदा इधर शराड़ लेके आया 1,40,000 का काम करवा के गया, 80,000 की गाड़ी थी उसकी, 1,40,000 ऊपर लगा गया, ऊपर लगा गया और हैप्पी। ये आज से मैं 10 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, वो लोग किधर गए हैं, वो गाह किधर गए हैं, ये गाड़ियों वाले तो हमसे ज्यादा भूखे हुए हैं। पूरी शराड़ बेच के बिजली का बिल देता होना है अभी तो आप सोच रहे हैं कि की करना ये है, की बेचना है तो कितना बिल तारना है। हुण मैनू देखो ना, बिल आया 12,500 रुपया तो मैं 250 रुपया कमाया सुबह से। हाँ ये देखो 250 कमाया, 12,500 बिल देना कैसे दूंगा बताओ, चीज ही बेचूंगा ना घर की कोई ना कोई। कब तक बेचेंगे, कब तक बेचेंगे, फिर अपना आप रह जाएगा, खुद को बेच के बिजली का बिल दे दें। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या मतलब प्लेट का ही काम करते हैं? हाँ जी, नंबर प्लेट गाड़ियों के लगाते हैं। बैठे हो कितने गड्डी की नंबर प्लेट लाओ, काम शाम नहीं है, कारोबार ही नहीं है। कब से बैठे हैं? ये कोई 2-3 घंटे हो गए। इतना निज़ाम चल रहा है, बस अल्लाह चला रहा है। बच्चा के साथ है या बेटा है? बच्चा ही समझे अपना, ये भी इधर ही काम करता है सामने। क्या उम्र है आपकी? 13 साल। नाम क्या है? अली मोहसिन। अली मोहसिन, 13 साल उम्र है आपकी, तो स्कूल नहीं गए? नहीं गए ही नहीं, क्यों? आपका फैसला था कि अब्बू का फैसला था? मेरा। आपका अपना फैसला था? अबू क्या करते हैं? अबू पूरे का काम, कूलर का। हाँ जी। तो और बहन भाई भी हैं, वो क्या करते हैं? घर वेले हैं। आप सबसे बड़े हो? नहीं, मैं भाई भी है बड़ा। वो क्या करता है? इधर ही है, वो भी इधर काम करता है जी। कितने पैसे बन जाते हैं? 200 रुपये। 200। तो उसका 200 बनता है जी। अच्छा, 200 रुपये का फिर आप क्या करते हैं अली? आप रखते हैं या अम्मा को देते हैं कि अब्बा को देते हैं? अब्बे को देते हैं। अब्बे को देते हैं। अब्बा जी क्या करते हैं उनका? दाल रोटी। तो यार स्कूल क्यों नहीं गए? ये इसका बड़ा भाई है। आ गया ये बड़ा भाई है, कितना बड़ा आपसे ये? ये पता नहीं। इधर आ यार दोस्त, इधर आ, इधर आ। ये नहीं पता कितना बड़ा है। क्या नाम है इसका? इधर आ जा। क्या नाम है इसका? अली हसन। अली हसन नाम है। आप अली मोहसिन हैं, ये अली हसन है। क्यों भाई अली हसन? कितनी उम्र है आपकी? मेरी भी 19 साल। 19 साल और इसकी 13 साल। हाँ जी। यार आप स्कूल नहीं गए, आप भी नहीं गए नहीं, कॉलेज कुछ नहीं है।
ओके आ गए हैं, छुट्टी होगी, छुट्टी हो मुस्तकिल पढ़ लिया सारा सारा, इसको क्यों नहीं भेजा? नहीं पढ़ते वहाँ से की करिए, खुद नहीं पढ़ता या खुद काम पर डाला है? पढ़ता ही नहीं गा, मैं पाया इस कॉलेज में भज के आ गया। सलाम अलैकुम भाई साहब, आप इधर जा रहे हैं? अच्छा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या कैसे मिजाज हैं? ठीक शुक्र अल्लाह, खरीद से हैं? बेहतरीन। मतलब क्या करते हैं? सिलाई मशीनों का काम। सिलाई मशीनों का बेहतरीन। आपके पास वो खवातीन जो है वो बड़ा अहम जुज है सिलाई मशीन घर का, ऐसा ही है? ऐसे ही। कितना अर्सा हो गया इसको? क्या कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? काम करते हुए तकरीबन तकरीबन मुझे दुकान को दुकान को कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 75 ईयर हो गए। पहले मेरे वाले साहब करते थे। अच्छा, फिर आप साथ आ गए? वो बात मांगने उसके बाद मैं हूँ। और फिर अब आपके साथ बेटा? नहीं बेटा नहीं, मैं बेटा नहीं आया इस काम में। नहीं आपके बच्चे नहीं आए? नहीं। वो क्या करते हैं? वो यही पेड़ पर काम करते हैं। ठीक है, तो किस तरह निजाम चल रहा है? अच्छा चल रहा है निजाम? ये चल रहा है कि बिजली का बिल भर रहे हैं, सुई गैस का बिल भर रहे हैं, और क्या कहते हैं लूटमार पड़ी हुई है, लूटमार पड़ी हुई है। वो मलका पंजाब, मरियम बीबी तो कह रही हैं यहाँ पंजाब में अमन है, तरक्की कर रहा है पंजाब, महंगाई कम हो रही है, सेहत का निज़ाम बेहतर, तालीम का बेहतर। और आज से दो दिन पहले आलू थे 30 रुपये किलो, अब है 100 रुपये किलो, प्याज है 40 रुपये किलो, अब है 130 रुपये किलो, दूध है 120 रुपये किलो, अब है 180 रुपये किलो, वो भी किसी काम का नहीं, क्या भी करा रहा, क्या चीज सकती है मुझे बताओ ना, क्या सच है? मरियम बीबी को सुना है आपने कभी? मरियम को? मरियम नाम नाम तो बहुत अच्छा है, काम नहीं अच्छा, नाम तो बहुत नाम अच्छा है, नाम तो बहुत प्यारा नाम है, काम तो जो हो रहा है वो सारी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो कह रही है मैं सबसे बेहतर काम कर रही हूँ। अच्छा। उन्हें अगले दिन सदर जरदारी साहब। हाँ क्या जरदारी साहब? हाँ वो शुभाज सिंह जब ये 2020 में 18 में ये इलेक्शन हो रहे थे ना, दुआरी में जलसा खा रहे थे, कह रहे थे जरदारी को पकड़ूंगा, घसीटूंगा, खंबे के साथ लटकाऊंगा, तो अब क्या बैठे हैं? अब वो सदर मुमलिकत हैं। सदर तो वो किधर के बयान, वो बयान किधर के? हाँ साहब छोड़े ना यार। नहीं ना विजय, तो फिर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे ना। वो सदर जरदारी साहब की मुलाकात हुई मरियम बीबी से। अच्छा। उन्होंने कहा कुछ खाया पिया करें, बड़ी कमजोर हो गई हैं आवाम की टेंशन ले लेके। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने टीवी पे देखते हैं मरियम बीबी को कमजोर हो रही है पहले से, 16-16 घंटे जाग के मुसलसल काम करती हैं। क्या काम? 7.5 घंटे की एक मीटिंग होती है। दिन की मीटिंग होती है वहाँ के लिए कि अपने लिए खाने नहीं, आपके लिए कि आपको रिलीफ कैसे देना है? क्या रिलीफ दिया? आपको सस्ता आटा मिले। हाँ। आपको घी चीनी दालें सस्ती मिले। आज से तकरीबन 2000 पहले हमारा बिल बिजली का पता कितना था? 1200-1500। अब कितना आ रहा है? 15-16 हजार रुपए आ रहे। बताओ क्या किया है इन्होंने, क्या किया मुझे बताओ ना, मुने का बेटा करके कर दिया। ये अकेले क्यों नहीं हुकूमत बनी इनकी? आवाम ने इनको वोट ही नहीं डाला। इस बात पे तो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ नाराज हैं, इसलिए तो वो टीवी में नहीं ला रहे, वो कहते खत्म हो गई सियासत की। खत्म? हाँ सियासत खत्म हो गई है। मियां साहब ये भी इस्लामाबाद गए हुए थे, अब लंदन जा रहे हैं बेटी और मियां साहब इलाज करवाने। इलाज करवाने? मियाँ साहब ने चेकअप करवाना है साहब अपना। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है? आई साहब उनके डॉक्टर बाहर हैं। तो ये गरीबों का नहीं है फिर? आपके लिए मेयो हॉस्पिटल है इधर गरीब। अच्छा ठीक है, फिर आपके लिए यहाँ पे और 4-5 नहीं, यहाँ पे जो उनके डॉक्टर हैं ये मियाँ साहब के लिए नहीं है, ये तो आपके लिए ना है सब, ये अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर आपके लिए हैं, इनको चेक कराना चाहिए ना, ये जाना ही चाहिए भाई। मतलब मियाँ साहब तो यहाँ पे इलाज नहीं करवा सकते ना, इन डॉक्टरों में दुआ नहीं ना, हमें अल्लाह पे दुआ है, हम तो आम डिस्पेंसरी से भी दवाई ले जाते हैं, अल्लाह पाक ठीक कर देते हैं। ये 20 वाली कौन सी बच्ची होती है, वहाँ डिस्पेंसरी में जाते हैं तो वो दवाई देते हैं, अल्लाह पाक ठीक कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो नहीं कोई स्पेशल डॉक्टर के पास गए। मरियम बीबी वो कह रही थी कि यहाँ पंजाब में सेहत की सहूलियात इतनी अच्छी हैं कि दूसरे सूबों से लोग आते हैं इलाज करवाने। हमारी ये गली जोड़ो दूसरी गली नहीं है जी, जी जी वहाँ उसको 5 माह हो गए हैं, वो अभी तक बनी नहीं है, ये इलाका इनका है नूनली का इलाका। हाँ गली नंबर 5, गली नंबर 5। हाँ जी, ये पहली गली जोड़ के दूसरी गली, और टोए पड़े हुए हैं, पानी गाड़ ये वो ना, पानी आ रहा, पानी पीला आ रहा। कौन है, कौन है यहाँ से एमएनए? एमएनए अहमदा सुभाष शरीफ, इनका इलाका है ये। फिर वो एक वो ग्वाल मंडी वाला हल्का सारा ये एक ही है, यही है अहमदा शहबाज यहाँ से जीते हुए हैं।
सबसे पहले नवाजी साहब यहाँ पे खड़े हुए थे, तो हमने उनको वोट डाला था उसको नवाजी साहब। अच्छा, अगर आप कहते मैं फोटो दिखा दूँ मेरी नवाजी की, जब नवाजिम ना एमएम नहीं था ना एमपीए था ना वजीर अला पंजाब बने, जब आप थे ना आप नहीं वजीर अला नहीं बने 85 से पहले की, जब इतने सियासत में चल गए साथ साथ रहे हम इकट्ठे। हां जी, मोबाइल पे लगी है फोटो मेरे पास पड़ी है, ये जो मैं बाहर यही पड़ी है कहीं, यही नहीं पड़ी, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ ये उनका क्या गली नंबर 5 जाके देखो, वहां पे ड्रिल हुआ था, वहां पे आपको मजा आएगा। रोजों का गली बुरी है, टॉयलेट पे पड़े हैं, पानी खड़ा है, पूछने वाले कोई नहीं, लही हो ये इलाका है। नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों, असल में ना हमदा शहबाज को वजीर अला बनाया, ना उन्हें कोई एमएनए बनाया, नहीं इनकी ये इंद्राजी इनकी, ये शहबाज फैमिली की, नवाज फैमिली से, मुझे तो लगा यही रहा है, ये कोई लड़ाई है अंदर, कोई बयान ही नहीं का हमें दिखाने के लिए, बोल चल है वैसे बोल चल नहीं है, कोई नहीं नहीं है, वो जो कुछ साडे घर हाल होंगे उधर भी वही है, ऐसा वही है ना, ऐसा वो भी हमें नहीं है ना, एक भाई को के 4 पैसे बन जाए तो दूसरा भाई हमें नाराज हो जाता है। अब देखो 21,000 रुपया बिल आया, एसी चलाए होंगे आपने 2-3, नहीं मैं कोठे की छत पे सोता हूँ, अल्लाह जानता है अभी भी छत पे सोते हैं, नहीं अब नहीं सो रहे, अब तो मुझे मुझे कमरे में पंखा लगा लेते हैं। नहीं ये जून जुलाई अगस्त में आपने छत पे सोकर गुजारा है, हमने मई जून 2 महीने छत पे सोए पंखा लगा के, ठीक है अब हमने अंदर पंखा लगाया हुआ है सो रहे हैं, फिर भी किस आ रहा है, मोटर चलती है, फ्रिज और ये बिजली जो चलती है, पहले मैं आता 15-16 रुपया था, देखो कैसे गुजारा चल रहा है, अल्लाह चला रहा है, अल्लाह ही बचा रहा है, अल्लाह चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। क्या मजा आ जाए, आप खैरियत से? ठीक ठाक है, भाई साहब तो जो मंजर बता रहे हैं उसमें तो लगता है हालात बहुत मुश्किल है। हालात तो है ही मुश्किल, आपको नजर नहीं आ रहे हालात मुश्किल हो रहे हैं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? हमारा ताल्लुक है मानसरा की पीके से। ठीक है, और कितना अर्सा हो गया यहाँ लाहौर में काम करते हुए? यहाँ पे इतना बचा जाता है, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? अपना सिलसिला कोई? गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी चला रहे हैं? ड्राइवर है। अच्छा जी, तो वो तो मैं सुन रहा था आज, वो मरियम बीबी यहाँ पंजाब में वजीर आला हैं, वो कह रही हैं कि यहाँ हालात इतने अच्छे हैं कि दूसरे सूबों से लोग आ रहे हैं, उसकी एक मिसाल तो आप भी हैं, आप देख रहे हैं किस तरह हालात हैं। तो ये देखें भाई साहब क्या हुआ, बिजली का बेड़ा करक इन्होंने बेड़ा करक करता सा लुट लेता है, गैस की सूरत बिजली सूरत जेड़ा मर्जी हुक्मरान आया उन्होंने बेड़ा करक करता था, जो भी आया जेड़ा भी है इमरान खान नवाज शरीफ सानू मारता वादे कर करके, तुम पता ही सब बिजली का बिल दिता नहीं जाता, लोगों को मंग मंग के बिल देने पे लोगों को। कितना बिल आया इस दफा? वो सरकार मेरा 27,000। क्या करते क्या? कुछ भी नहीं, वही पखे वही बतियां, आजकल तो एसी लगाया होगा? ना ना ना, एसी तो बगैर 27,000 रुपया जी, एसी तो है ही नहीं मेरे घर, एसी बढ़ाता जी है था पिछले 6 महीने पहले बढ़ाता जी, क्या नहीं साढ़े कनेक्शन काट दिया, कनेक्शन कट देता बिल्कुल छोड़ देता, वेच देता और वो बेच के बिल दे दिया, वो बेच के बिल दे छड़िया कहर के दिता नहीं जाना, इन्होंने सानू वादे कर करके मारता झूठे सूदखोर ने सब तो वड्डे। मलका पंजाब कह रही हैं कि हालात बड़े अच्छे हैं, सूदखोर ने सब ने सूद लिता है, सूद नहीं बना साड़ी अजी मर रहे हैं, अल्लाह रोला दे रसूल ने जंग की थी इन्होंने, जो तक सूद नहीं छड़न के कभी मुल्क खुशहाल नहीं होगा। IMF से $7 अरब मांग रहे हैं 37 माह के लिए, तो कहा दे सूद आपकी बेहतरी के लिए, साड़ी बेहतरी सूच कदी मुसलमान की बेहतरी है, सूच मैनू दसो तुसी भाई मुसलमान हो दसो सूच च बेहतरी हो सकती है, मना इस्लाम में सख्त मना है, अल्लाह कहंदा अल्लाह अल्लाह के रसूल से जंग है, वो जंग और सब तो घट दर्जा सकी बराबर है, सब तो घट गुनाह दा जिहड़ा दर्जा ना, दसो इन्हां नू गर्द नहीं, इन्हां नू शर्म नहीं के क्यों करते पेने सूद छड़न, अल्लाह मेरा राजी हो जाए तो फसल सोना उगलन, जरात मुईशत पाकिस्तान तो सोने की चिड़िया है, तो बस क्या हुआ इसको यही खा गए, सब झूठ बोल रहे, सब खा गए आप ही पाकिस्तान लुट के खा गए वे मोटे ढिडा वाले, सब जिन्ने ने ना जिन्ने सियासतदान आए ने, आपका दर्द लेकर तो मियां साहब लंदन से पाकिस्तान आए वापस, दर्द आपके लिए बड़े परेशान थे, आप जुड़े नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं और सरकार मैं सारे कहना पाया, एक नहीं कहना पाया, सूदखोर ने सारी सूदखोर जिथे होगा उत्थे मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता,
सूदखोर ने सूद कि वा गुना है तुझे आप समझते हो नहीं गुना तो मैं दसो मैं बेहतर कैसे करना है हालात को एक कोई तरीका हो गया खत्म करे इसको सूद खत्म करन और तुसी सोच नहीं सकते अल्लाह कितों मदद करेगा मैं भी मदद अल्लाह करेगा और राजी हो जाएगा तो इतों ऐसे तेल इतों निकल आएंगे इतों सारा कुछ निकल आएंगे बेशुमार तरीके ने तेल सस्ता लेंदे नहीं जान के नहीं लेंदे बिजली के बिल जो बिजली बना के नहीं देंदा उन्हें पैसे देन डे ने IPP हाँ मीटर साढ़े हाँ जी $1,000 ਵਾਪਲਾ ਤਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੂਈ ਗਿਆ ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ ਇਹ ਸੁਰਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਿਰਚਾ ਕਿਰਚਾ ₹400 ₹800 ਕਿਲੋ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਖੋ ਲੋਕੋ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬੰਦੇ ਸਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਉਹ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਭੁੱਖ ਪਈ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ भाई साहब के ये जो सवाल हैं ये सिर्फ आप इसे मजाया अशार ना समझें इस निज़ाम के ऊपर सवाल या निशान है जिस निज़ाम का तमाशा जारी है पूरी दुनिया के बैंक आपकी महंगाई कम होने की रिपोर्ट जारी कर दें जब तक इस आम आदमी के घर पर रोटी नहीं पकेगी और उसकी बिजली का बिल कम नहीं होगा उसके लिए कोई महंगाई कम नहीं हो रही तमाशा जारी है इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।